तुझे की प्यास किसकी, सुनूंगा जब तेरा आवाज, सुनूंगा जब पावन तन करना जगती कन्हैया तेरी बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले व्याजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, पूरे वेद व्यास महाराज की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव योग जगाने ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव योग जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख करनी, श्रीमद पूजन की आरती, पापियों को पाप से हर आरती, भगवान की आरती, पापियों को पाप से हर आरती। ये मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग सिखाने वाला टिकड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग सिखाने वाला टिकड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रब की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरम भरावतारम संसार सारम दुर्गतिहारम सदा वसंतम हिरार्य बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव दिव्याचरम तुमेव, तुमेव सर्वम अमरेव देव, तुमेव सर्वम अमरेव देव, तुमेव सर्वम ममदेव देव। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। सभी अपने एक बार जयकारा लगाओ, शांति हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम। आइए मंगलाचरण आरंभ करते हुए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे और सभी लोग अपने अपने नेत्रों को, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आपके जो जो इष्ट देवता हैं उनको स्मरण कीजिए, राधा रानी का स्मरण कीजिए, बांके बिहारी का स्मरण करते हुए अपने हृदय में बैठाइए और अपने पितरों को भी स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना कीजिए। और जैसा कि मैं नित्य प्रतिदिन कहता हूं, जब तक मैं मंगल नमः परमहंसास्वदित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय
धैर्यं सदा परिभवग्नम् भीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरिञ्चि नोतम् शरण्यम् रहत्यार्तिहं प्रणतुपा भवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंसे विभूषित करा नव नीरदा भात पीतांबरा दरुड़ विंद फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीव पदपङ्कजपं जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानस राज नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीर्येता अज्ञानितिमिराधस्य ज्ञानाञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेके। सभी अपने अपने नेत्रों को खोल लीजिए और कैसे हैं हमारे बाकी बिहारी। जय जय श्री राधा रमण जय जय धवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल तरु श्री साढ़े दूत विनिंदित पीताम्बर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे समस्त भाई बंधु, समस्त संत बंधु, क्योंकि आप सभी की मेहनत, लगन और विश्वास से इस श्रीमद् भागवत यज्ञ का आयोजन किया गया, तो आइए आप सभी के सानिध्य में बैठकर वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत महापुराण के तृतीय दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और प्रतिदिन की तरह मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इतनी शक्ति हमें देना कान्हा, इतनी शक्ति हमें देना राधा कि मन का विश्वास कमजोर हो ना। तो आइए सभी मिलके पहले प्रार्थना करते हैं भगवान की, तत्पश्चात आपकी कथा में प्रवेश करेंगे। और मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा तो भगवान मेरी सुनेंगे और आप करेंगे तो आपकी सुनेंगे। दूसरी भाषा में कहूं, आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा और हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। जय जय श्री राधे। आइए सब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के इस प्रार्थना को करेंगे। और क्या कहना है, इतनी शक्ति हमें देना कान्हा, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बोलना है, फिर से बोली मेरे साथ। इतनी शक्ति हमें देना राधा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आइए सब मिलके इस प्रार्थना को करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना कान्हा, मन का विश्वास हम चले दिल जो रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना।
हमें क्या मिला है,
हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, उन खुशियों के साथी सभी को सबका जीवन इधर जाए कबूल, अपनी करुणा का जल तू बहाते, अपनी करुणा का जल तू बहाते, करते पावन हर एक पल सगोसा, दुश्मनी से हम अंधेरे में है रोशनी दे, वो न दे रही दुश्मनी से, हम सदा पाल रखते जी मौत भी हो तो सर में खुशी से, कल जो गुजरा फिर से न गुजरी, आने वाला वो कल ऐसा होना, चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, एक दिन शक्ति हमें दे दादा, मन का विश्वास कब जाग होना, इतनी शक्ति हमें देना कान्हा, इतनी शक्ति हमें देना राधा, मन का विश्वास कमजोर हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, अनंत बलवंत हनुमत लाल की।
दुर्गा मैया की, खाटू श्याम बाबा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की, भोले भंडारी की, पार्वती मैया की, आने वाले सभी भक्तों की, सहयोग देने वाले सभी भक्तों की, दान दाताओं की, बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, कल प्रथम दिवस हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना और कल भी मैंने आपको श्रवण कराया था कि भागवत सुनने से कल हमने यह जाना कि हमारे जीवन में जो भक्ति भक्ति तो है लेकिन उसके साथ साथ जो ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं वो जागृत हो जाते हैं। और दूसरी बात, धुंधकारी की कथा कल हमने श्रवण की तो संसार में किसी से किसी भी पतित से पतित पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, अत्याचारी हो, जीवन भर पाप किए, उसको हताश, उदास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धुंधकारी जैसे प्रेत की भी पीड़ा विनाश कर देती है। श्रीमद् भागवत का जो कल हमने महत्व श्रवण किया वो पद्म पुराण के 6 अध्यायों से लिया गया था और आज से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है। महर्षि वेद व्यास ने सबसे पहले प्रथम स्कंद आरंभ करते ही बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है, मंगलाचरण की है, लेकिन आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। महर्षि वेद व्यास जी ने स्तुति तो की है, मंगलाचरण किया है आरंभ करते समय, लेकिन एक बात समझने की है, उन्होंने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जैसे हम लोग कहते हैं कृष्णाय नमः, दुर्गाय नमः, गणेशाय नमः, उन्होंने अपने मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। आप भी सुनिए प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। जन्माधस्य यतो द्वयातितरतम् चार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हिताय आदि कविये मोहयंती यति सूर्या तेजो वारी मृदा यथा विनिमय यत्र तिशर्गो प्रशा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी ने सिर्फ एक ही बात कही अंत में, सत्यम परम धीमहि। किसी ने कहा व्यास जी आप मंगलाचरण कर रहे हो श्रीमद् भागवत का और किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लेते। वेद व्यास जी ने कहा यदि मैं इसमें कृष्ण का नाम लूंगा तो ये कृष्ण का ग्रंथ बन जाएगा, दुर्गा जी का नाम लूंगा तो दुर्गा जी के उपासक इसको मानेंगे,
गणेश जी की वंदना करूंगा तो केवल गणेश के साथ इसको मानेंगे, मैं तो उस परम सत्य की वंदना करता हूँ जो सत्य हर एक इंसान को प्रिय है। भागवत कथा कोई जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, जिस इंसान को सत्य प्रिय होता है वो कोई भी भागवत कथा सुन सकता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना। जन्माधस्य यथोर्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराज्यम्। हम उस परम सच्चिदानंद स्वरूप की वंदना करते हैं, अस्य विश्वस्य यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। जिस परमात्मा की कृपा से इस सृष्टि का निर्माण होता है, इसका पालन होता है और समय आने पर इसका संहार हो जाता है। और आदि कवि ब्रह्मा को भी जिस नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत में अपना सारा ज्ञान दे दिया, ऐसे परम पिता सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम भीम। प्रथम श्लोक के ये जो प्रथम स्कंद है, इसमें तीन श्लोक प्रायः कहे गए हैं। पहले श्लोक में बताया गया कि हम किसको ध्याएं, तो सत्य की वंदना की। और दूसरे श्लोक में बताया गया हम किसको गाएं, और तीसरे श्लोक में बताया गया हम किसको पाएं, पिए, धे, गे और पे। दूसरा श्लोक श्रवण कीजिए आप लोग। धर्म तो चित कहतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तव वस्तु मत्र शिवदं तापत्र योनिमूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा पैरीश्वरा सद्धो हृदय रुद्यत्र कृति भी सुशुश्रूभिस्तच्छणा। धर्म को जित कहतो अत्र परमो। दूसरे श्लोक में परम धर्म की बात कही, निष्कपट धर्म। तो किसी ने कहा कि धर्म में भी कपट और निष्कपट होता है। तब ये व्यास जी ने बताया, एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। आप जो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, अपने गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, इसको तो कहते हैं धर्म। और इसको करने के साथ साथ आप अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हो जाता है आपका परम धर्म। देखो जीवन की गाड़ी दो पहिए पे चलती है, सबने सुना है ना। हम इस लौकिक धर्म में बने रहेंगे एक पहिए पे तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, और हम इस लौकिक धर्म को छोड़ के सीधे परमात्मा की ही भक्ति कर लेंगे तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। लौकिक धर्म निभाते निभाते जब आप पारमार्थिक धर्म निभाते हो तो आपके जीवन की गाड़ी कन्हैया पार लगा दो। और बताया गया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, निर्मत्सराणाम सताम। ये मत्सर क्या होता है? मत्सर होती है ईर्ष्या। जब आप भागवत सुनने आते हो और अपने हृदय में यदि किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो, द्वेष भावना रखते हो, तो भागवत कथा आप सुनोगे तो जरूर लेकिन आपके हृदय में उतरेगी नहीं। क्योंकि गाय का दूध जो होता है ना, चाहे कितना भी अमृत हो, यदि खट्टे बर्तन में उसको धो दिया तो वो फट जाएगा। इसी तरह यह भागवत का अमृत है, जिसके हृदय का पात्र शुद्ध होगा, निर्मल होगा, ये भागवत अमृत उसी के हृदय में
अच्छी तरह से रह पाएगी, वरना ये अमृत विदीर्ण हो जाए। इसलिए अपने मन से ये ईर्ष्या द्वेष भावना बिल्कुल दूर कर देनी चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, ये भावना तो इंसान के अंदर सबसे पहले आती है ना, कि हमारे पास तो है नहीं, ये पड़ोसी के पास इतना कैसे हो गया। कल तक तो ये नौकरी करने जाता था, आज इसका कारोबार कैसे हो गया। कल तक तो इसके पास खुद का घर भी नहीं था, आज ये 2000 गज का मालिक कैसे हो गया। ये कलयुग है। एक भक्त ने बड़ी तपस्या की, भगवान भोले शंकर, भोले शंकर प्रकट हो गए, कहने लगे भक्त वर मांगो, तुमने बड़ी तपस्या की। वो भक्त कहने लगा प्रभु मैं बहुत संतोषी हूं, केवल एक ही वरदान मांगूंगा। भगवान ने सोचा कितना अच्छा भक्त है, एक ही वरदान मांग रहा है, कलयुग का भक्त था। उसने कहने लगा प्रभु आप मुझे एक ही वरदान ये दे दीजिए कि जिस समय मैं जब चाहूं जिस पदार्थ की इच्छा करूं वो चीज मुझे मिल जाए। बोले बाबा कहने लगे वाह क्या संतोषी भक्त मिला, जिस समय जो चाहे इसको मिल जाए। बोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं तलाश। घर पहुंचा, कलयुग का भक्त था, झोपड़ी बनी हुई थी पहले, तो सबसे पहले कहने लगा कि मेरा सुंदर सा घर बन जाए। लेकिन भोले बाबा ने उसको एक और बात कह दी थी कि जा मैंने तुझे वर दिया, तू जब जो कुछ मांगेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। उसने उस समय तो उस बात पर ध्यान नहीं दिया। घर जब आया, झोपड़ी थी, अपने लिए मकान मांगा, तो उसका तो एक घर बन गया और पड़ोसी के कितने बन गए, दो। अब जो उसने देखा कि तपस्या मैंने की और इसको दो घर कैसे, चलो कोई बात नहीं रह गया। अब उसने सोचा घर तो बन गया है, चलो मेरा अच्छा सा कारोबार हो जाए, एक फैक्ट्री लग जाए। तो उसकी तो एक फैक्ट्री लगी और पड़ोसी की दो फैक्ट्री लगी। तब भी उसने संतोष कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब उसने सोचा घर भी हो गया है, कारोबार भी हो गया है, मेरी एक सुंदर सी कन्या से विवाह हो जाए। तो उसकी शादी हो गई, उसके घर तो एक सुंदर सी कन्या आई, लेकिन पड़ोसी की एक साथ दो शादी हो गई, पड़ोसी की दो दो दुल्हन आ गई, और इसकी सुंदर आई, पड़ोसी की अति सुंदर आई। अब इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी एक पत्नी और इसकी अति सुंदर दो पत्नी। अब तो गुस्से में उठा, कह लगा भगवान एक काम करो, मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। उसके आगे तो एक कुआं खुदा और पड़ोसी के आगे दो कुएं खुदे, तब भी चैन नहीं मिला। तो कह लगा भगवान अब एक आखिरी और काम कर दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। तो उसकी तो एक आंख फूटी और पड़ोसी की दो फूटी। बोला ऐसा क्यों कहा, बोला दो कुएं खुदे कभी ना कभी तो जाके गिरे गए। तो ये कलयुग का भक्त है, पड़ोसी को देख नहीं सकता। इसलिए जब आप भागवत कथा सुनने आए तो निर्मल शरणाम सताम, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। ऐसी भावना लेके जब आप पाएंगे तो भागवत आपके हृदय में बैठेगी। बोलिए राधे राधे। और क्या बताया गया तीसरे श्लोक में, इसको कैसे सुनना चाहिए, कैसे पान करना चाहिए, तो बताया गया निगम कल्प तरोर गलितम सुख खाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भूलि भाविका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है, इसको सुनो नहीं, इसको तो पियो, और इतना पियो क्योंकि इस पके फल में ना तो गुठली है ना ही गूदा है, केवल रसी रस भरा है। जितना पी सकते हो इस भागवत अमृत का पान करो, रहो रसिका भूमि भागवत।
इस तरह तीन श्लोकों को बताया। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से, अब सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे, और यदि आप इन प्रश्नों को श्रवण करेंगे ध्यानपूर्वक तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके जीवन से भी जुड़े हुए हैं। सौनक आदि ऋषि कहते हैं, गुरु जी त्वया खलु पुराणानि सेतिहासनि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यायुता। सूत जी महाराज, आपने वेद शास्त्रों को बहुत पढ़ा है और हमारे आपसे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन कौन से पांच प्रश्न हैं? पहला प्रश्न कि महाराज, मंदा सुमंदा मतियो मंद भाग्या विपत्रताओं, घोर कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद हो गया है, इनका कल्याण कैसे है? दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत है महाराज, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है जो आप हमें बताएं? तीसरा प्रश्न, भगवान तो समर्थ है, सक्षम है सब कुछ करने में, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो बताओ मैंने कौन कौन से तीन प्रश्न बताए थे? आप लोग इधर उधर देखते हो ना, कौन बताएगा मैंने तीन प्रश्न कौन कौन से अभी बताए? देखो इसलिए कहता हूं, ये आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े ही प्रश्न, इधर उधर देखने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। भगवान यदि समर्थ है सब कुछ करने में तो अवतार क्यों लेते हैं? और दूसरी बात, चौथा प्रश्न हमारा यह है कि अवतार कितने हो गए? कोई कहता एक, कोई कहता दो, कोई 24, कोई हजारों अवतार कहता है, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो महाराज, भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान ने कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में क्या क्या लीला की, ये भी हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। और छठा और अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब अवतार लेने के बाद दुष्टों का संहार करके अपने लोक को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रह जाते हैं? ये छह प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेया शास्त्र सारक का स्वतारो प्रयोजनम, किम कर्म केवता राष्ट्र धर्मम कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान एक है या अनेक, इस तरह कई प्रश्नों को पूछा और कहीं ना कहीं ये प्रश्न मैंने जहां जहां बताया है कि भगवान एक है अनेक, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं दुविधा एक आती होगी कि हम कभी मंदिर में जाएं तो पहले पूजा किसकी करें, कभी गणेश जी की करें या पहले दुर्गा जी की करें या भोले बाबा की करें, कभी कभी हमारे मन में विकार पैदा हो जाते हैं। तो कौन कौन जानना चाहेगा कि भगवान एक है या अनेक? सभी जानना चाहते हैं, तो आइए मिलके एक बार राधे नाम का जप कर लेते हैं और उसके बाद में सभी को मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। एक बात ध्यान देना, आप अपने मन में कोई भी प्रश्न लेके यहाँ पे बैठ रहे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते स्वयं मिल जाएंगे। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। और कल
कल एक बच्चा यहाँ पर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहने लगा महाराज जी प्रश्नोत्तरी किया। मैंने कहा बेटा आप अमृताचार्य जी की वीडियो बहुत देखते हो, तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा लगता है प्रश्नोत्तरी होती है, क्योंकि इससे पूर्व कथा हुई थी। प्रश्नोत्तरी करने में आपके मन में जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको मिल जाते हैं। बोलिए राधे। अभी मैं क्या बोलवाता हूं आपसे बार बार, राधे राधे। तो आइए जप ले राधा राधा नाम, एक बार सभी मिलकर राधा नाम का जप करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। जप ले राधा राधा नाम, रे जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम। राधा नाम जपने से क्या होता है वो भी सुनो। मिले परम सुख परम शांति और मिले परम धन धाम, कि जप ले राधा राधा नाम। कौन कौन जपेगा मेरे साथ में, सभी जपेंगे ना, तो आइए राधा नाम जपते हैं। बहुत सुंदर कथा में प्रवेश है। रे जप ले राधा राधा नाम, ओ जप ले राधा राधा नाम, रे जप ले राधा राधा नाम, ओ जप ले राधा राधा नाम। मिले परम सुख परम शांति और मिले परम सुख परम शांति और मिले परम धन दाम, जप ले राधा 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 रा
जय 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 ज